हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मारिया मुस्तफ़ा फ्रॉम लेट्स लिव इट सिंपल। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, सूजी का हलवा। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय किचन। बहुत बहुत खुशामदीद। यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये बहुत ही खास किस्म का सूजी का हलवा आज बनने वाला है। आम फूला हुआ हलवा नहीं है जो हम हलवा पूरी के साथ खाते हैं। इसकी स्पेशलिटी इसकी भुनाई है। सो रेसिपी कार्ड आपको मिल जाएगा एंड ऑफ द वीडियो भी, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि जितने कप सूजी है उतने ही कप आपके पास चीनी होनी चाहिए है, और उससे आधा कप हमारे पास चॉप्ड बादाम होने चाहिए हैं। चीनी इस्तेमाल करने से पहले हम उसका शीरा बना लेंगे। सो एक पैन लेके आप उसके अंदर चीनी डालें। चीनी जब मेल्ट होना शुरू हो जाए तो 1/4 कप, 1/4 कप पानी डाल के उसको अच्छे से मिलाएं कि चीनी डिजॉल्व हो जाए और स्टिक ना हो आपके पैन के साथ। इसको आप अच्छे से हिलाएं और शीरे की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत गाढ़ी ना हो, बहुत पतली ना हो, मीडियम होनी चाहिए। शीरा तैयार होने के बाद अब उसको एक साइड पर रख लें। दूसरी तरफ आप एक और देगची लें, उसके अंदर आप सूजी डालें और सूजी को अब हमने घी डाल के भूनना है। थोड़ी सी जब सूजी गर्म हो जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है। देसी घी जो है वो आपने कोशिश करें मक्खन इस्तेमाल करें या देसी घी डालें। ऑयल बिल्कुल यूज मत कीजिए, क्योंकि हमारे जो हलवों की स्पेशलिटी है वो यही है कि वो देसी घी में बनते हैं। तो 2 कप मेरे पास सूजी थी, उसके लिए मैंने 5 खाने के चमचे भर भर के देसी घी डाला है, यानी कि 5 टेबलस्पून ऑफ प्योर बटर घी, क्योंकि एक एक जो सूजी का दाना है मुझे उसको सोक करना है, ग्रीसी करना है, तभी वो भुनेगा। अब इसको घी डालने के बाद अच्छे से भुनें और इतना भुनें कि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाए और सूजी की जो भुनने की सौंदाहट है वो आ जाए, वो वाली खुशबू आना शुरू हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी और सूजी में भुनने के बाद गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे शीरा। शीरा हम पहले से तैयार कर चुके हैं सेम क्वांटिटी का। अगर आपका शीरा ठंडा हो गया है और गाढ़ा हो गया है तो आप इसको गर्म करके दोबारा से पतला कर सकते हैं। सूजी भुनने के बाद सारे का सारा शीरा आप इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिलाएं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करें। अब हमने इसके अंदर बादाम डालने हैं, क्रश बादाम, क्योंकि ईजिली आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। और ये मेरे पास अराउंड 1 प्याली चॉप आमंड्स हैं। इसको मैंने सारे के सारे इसके अंदर डाल के अच्छे से दोबारा पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हमने सूजी के दाने को गलाना है। सो उसके लिए हम पानी ऐड करेंगे। 1/4 कप पानी जो है इतना ही मैंने डालना है। बहुत सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो सूजी का दाना फूल जाएगा, गलेगा नहीं। सो 1/4 कप वाटर इज़ द क्वान्टिटी जो आपको इंटरवल्स में ऐड करनी है। एक साथ सारा पानी नहीं डाल देना वरना दाना फूल जाएगा, गलेगा नहीं। तो पानी ऐड करते जाएं, उसको भूनें और मिक्स करें और टेस्ट कर लें। टेस्ट करने का तरीका ये है कि एक प्लेट ले लें, जब जब आप पानी डालें और उसको पकाने के बाद प्लेट में थोड़ा सा निकाल के चखें, अगर दाना गल गया है तो पानी डालना बंद कर दें, अगर दाना नहीं गला तो फिर आपने 1/4 कप पानी दोबारा डाल देना है। इससे ज़्यादा पानी ना डाल दीजिएगा, याद रखिएगा। सो हमारा जब दाना गल गया है तो हमने इसमें डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को पानी में डिजॉल्व करके हमने इतना गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। जब हमारा सूजी का दाना गल गया, हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर मिक्स किया। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका के इसको आप डिश आउट कर दें, और गार्निशिंग के लिए आप पिस्ता डालें, चॉप पिस्ता, और चांदी का वर्क लगा के सर्व करें। आपकी ईद में 4 चांद लग जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।